नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। तीतर की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियों के माध्यम से रूबरू कराएंगे आज हम। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन बातों पर अमल जरूर करे, अपने जीवन में जरूर उतारे, हो सके तो इन बातों को अपनी संतान को जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी अनमोल बातें एक तीतर बताता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को उतार लेता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा या मात नहीं खाता है। यह बातें हम आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखना। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक तीतर रहता था और उस तीतर के दो बच्चे भी थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली और सीधी सादी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी, पर उससे किसी भी बात का कोई घमंड नहीं था। वो बड़ी ही सीधी सादी थी, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति बात बताता तो वो आगे कर देती थी, हर किसी को कह दिया करती थी। तो उसके जितने भी मित्र थे या पड़ोसी थे, उन सभी को सारी बातें अच्छी तरह से मालूम होती थी कि तीतर की घरवाली के मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है। इसी कारण तीतर अपनी पत्नी को बहुत ही कम बातें बताया करता था। वह हर रोज जंगल में जाता था, शिकार करता था, शिकार लाकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया करता था। दोस्तों, उसी जंगल में बहुत सारे पक्षी भी रहा करते थे। उनके पड़ोस में ही उनका मित्र कौवा रहा करता था। कौवा उनका पड़ोसी मित्र तो था ही, इसके साथ साथ वह बड़ा ही तेज तर्रार था। कौवा हर बार उस तीतर से पूछा करता था कि तीतर भाई, आप कहाँ जाते हो? आप हर रोज इतने अच्छे अच्छे शिकार कहाँ से लाते हो और अपने बच्चों को इतना अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो? आप क्या करते हो जो इतना अच्छा शिकार आपके हाथ लग जाता है? दोस्तों, वह तीतर कभी भी अपना भेद किसी के आगे नहीं खोलता था, लेकिन अपनी घरवाली से इस बात को हमेशा बता दिया करता था कि वो कहाँ जाता है और किस प्रकार से शिकार करके लाता है। वह तीतर अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी अपना राज या भेद नहीं बताता था। दोस्तों, उस तीतर की घरवाली बहुत ही सीधी सादी थी। जब वह तीतर अपने पड़ोसियों को बात नहीं बताता था, तो वो कौवा तीतर के जाने के बाद उसके घर आता, उसकी घरवाली से इस बात को पूछता कि उसका पति कहाँ जाता है, किस प्रकार से शिकार करके लेकर आता है। तीतर अपनी घरवाली को बहुत समझाता था, यहाँ तक कहता था कि मेरी बताई हुई बात तुम किसी को आगे मत कहा करो, यदि तुम ऐसा ही करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन नसीब नहीं होगा, हमारे लिए भोजन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी। वह कुछ देर तो इस बात को याद रखती, पर जैसे ही समय बीतता वो सब कुछ भूल जाती। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा ही दुखी रहता था, क्योंकि तीतर को हर रोज नई नई जगहों पर भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। लेकिन जब शाम को घर आकर अपनी पत्नी को बताता, तब पत्नी दूसरे दिन वो सारी बातें उस कौवे को बता दिया करती थी। वो कौवा बहुत ही तेज तर्रार था, चालाक था। कौवा इसी फिराक में रहता था, अक्सर हर रोज तीतर के जाने के बाद उसकी पत्नी के पास आकर उसका सारा भेद जान लेता था और सब बातें पूछ लिया करता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है। बहुत ही कम समय में अच्छा खासा शिकार करके घर लौट आता है। कौवा कहता,
कि हम तो दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भोजन नहीं मिलता है, हमारे हाथ शिकार नहीं लगता है। तुम्हारा पति ऐसा करता क्या है जो झट से शिकार करके घर लौट आता है? कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी उसे सारी बातें बता दिया करती जो तीतर अपनी पत्नी से कहता था। तीतर हर रोज जाता और नई नई जगहों से भोजन खोज कर लाता था और आते ही उसकी पत्नी उससे पूछती कि आज तुम भोजन की तलाश में कहाँ गए थे। वो तीतर अपनी पत्नी के पूछने पर उसे सब कुछ बता देता, लेकिन जब कौवा उस तीतर की पत्नी से अगले दिन यह पूछता तो तीतर की पत्नी उस कौवे को सब कुछ बता दिया करती और फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता उस तीतर वाली जगह पर। अगले दिन वो कौवा अपना हक जमा लेता था। कौवा इतना तेज तर्रार था कि तीतर को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था। दोस्तों, इसी परेशानी को लेकर तीतर दिन ब दिन दुखी होता जा रहा था, क्योंकि तीतर जिस भी जगह पर जाता, जिस जगह को खोजता और अपने भोजन का प्रबंध करता, उसी जगह जाकर दूसरे दिन कौवा अपना अधिकार जमा लेता था। तीतर हर रोज अपनी पत्नी को समझाता कि तुम अपने घर का भेद किसी को मत दिया करो, तुम्हारे मुख में कभी कोई बात नहीं पसती है, तुम्हें तो बात बताना ही बेकार है, मैं तुम्हें जो भी बात कहता हूँ तुम अन्य किसी को मत बताया करो, और तुम ऐसा करती हो तो वह पक्षी अगले दिन जाकर उस जगह पर अपना अधिकार बना लेते हैं जिस जगह को मैं बड़ी ही मुश्किल से खोजता हूँ। इस बात को लेकर तीतर बड़ा ही दुखी रहता था। धीरे धीरे तीतर को अपनी पत्नी की वजह से यहाँ तक की नौबत आने लगी कि उसको अब कहीं भी भोजन मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। अब तीतर के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि अब वह तीतर अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे। तीतर पूरे पूरे दिन जंगल में भोजन की तलाश में भटकता रहता, लेकिन तीतर को भोजन मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसी की पत्नी की वजह से ये सब हो रहा था। तीतर अपनी पत्नी को यह कहता कि तुम्हारी वजह से ये सब होता है, यदि तुम्हारे मुख में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज ये नौबत हम पर नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखो मुझ पर चिल्लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपकी भोजन तलाशने की और हमारा पेट भरने की क्षमता नहीं है तो ऐसे में आप कह दीजिए कि आपको मुझसे भोजन लाकर नहीं खिलाया जाता। देखो जी, आप फालतू में मुझ पर गर्म मत होइए। यह बात सुनकर तीतर बड़ा परेशान हो गया था। तीतर दिन ब दिन भटकता शिकार की तलाश में रहता। एक दिन तीतर जब शिकार के लिए निकला तो शिकार खोजता खोजता काफ़ी दूर निकल गया और एक साधु के आश्रम में जा पहुंचा और वहां जाकर साधु को प्रणाम करके वहीं बैठ जाता है। जब साधु उस तीतर को देखता है कि तीतर तो बड़ा ही शांत बैठा है, दुखी भी लग रहा है, तो साधु सोचने लगता है कि तीतर के जीवन में जरूर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है। वह साधु उस तीतर के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे ऐसी कौन सी समस्या है, किस समस्या ने तुम्हें घेर रखा है जिससे तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो? मुझे लगता है कि जरूर कोई गंभीर समस्या आप पर हावी हो गई है। तब तीतर अपने जीवन में घटित सारी घटनाएं सुनाता है। तीतर कहता है कि साधु महाराज, मेरी पत्नी की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। जब भी मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती, आज आपने भोजन कहाँ से लाया है? मैं उसको सब बातें बता देता। मेरे मन में यही सोच थी कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी भी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यही सोचकर मैं अपनी पत्नी को सारी बातें कह देता हूँ और मेरी पत्नी बड़े ही शांत स्वभाव की है, बड़ी ही भोली भाली है और भुलक्कड़ भी है। दूसरे दिन मेरी पत्नी मेरे द्वारा कही गई सारी बातें कौवे को बता देती है और हमारे घर की सारी बातें कह देती है जो मैं उससे कहता हूँ।
एक कौवा हमारा मित्र पड़ोसी है जो हमारे घर पर आता है और मेरी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ से भोजन लेकर आता है। तो मेरी पत्नी अपने घर की सारी बातें उस कौवे को कह देती है। इसी वजह से मैं दुखी हूँ। मेरी पत्नी की वजह से मेरे जीवन में मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। फिर साधु महाराज ने सारी बातें सुनने के बाद उस तीतर से कहा, देखो तीतर, यह तुम्हारी खुद की मूर्खता है। जब तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, वो बड़ी सीधी सादी है, वो बड़ी भोली भाली है, यह सब जानते हुए भी तुम अपने घर की, अपने मन की सारी बातें अपनी पत्नी के साथ शेयर क्यों करते हो? ऐसे में जो तुम्हारे मतलब की बात हो, वो बातें कभी भी अपनी पत्नी को मत बताया करो। ऐसी बातें जिनको बताने से तुम्हारे खुद का बुरा होने लगे, ऐसी बातें आप अपने तक ही सीमित रखा करो। फिर साधु महाराज तीतर से कहते हैं, देखो तीतर, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा, यदि आप अपने जीवन में मेरी इन बातों पर अमल करोगे तो आपके जीवन में आपको कभी भी दुख नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे फिर वो अपना कितना भी करीबी क्यों ना हो, वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, या फिर आपके बच्चे ही क्यों ना हो। आप अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा हर जगह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी आप किसी से साझा ना करें, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात उस तीतर से कहता है, देखो तीतर, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इसको आपने अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार लेना है, याद रखना है, कभी भूलना मत। फिर साधु महाराज उस तीतर को बताते हुए कहते हैं कि अपने भविष्य की गलतियाँ और रणनीति, आप दोनों बातें कभी किसी को न बताएं तो अच्छा होगा, क्योंकि सामने वाला आपकी उन भविष्य की गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा, आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ देगा। इसलिए आप अपने भविष्य की गलतियाँ और इसके साथ साथ भविष्य की रणनीति किसी को ना बताएं। यदि आप अपने भविष्य में कोई ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं तो वो भी किसी के साथ शेयर ना करें, हो सकता है सामने वाला आपके बनते हुए काम को बिगाड़ दे। वो आपके काम को बिगाड़ने में देरी नहीं करेगा, और जो रणनीति आप तैयार कर रहे थे उसको सामने वाला अपने लिए तैयार कर लेगा और आपके सर पर हमेशा हमेशा के लिए परास्त होने का खतरा मंडराएगा। ऐसे में आप अपने भविष्य की रणनीति किसी से भी साझा ना करें, किसी को भी ना बताएं। तीसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हुए कहते हैं कि अपने घर की बातें या घर का भेद किसी बाहरी व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए, चाहे फिर वो इंसान हो या पक्षी हो। आपके घर में, आपके आसपास या आपस में, आप पति पत्नी में जो भी बातें होती है, अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा खो बैठेंगे, कभी भी आप अपने समाज में सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर आपके मौके का फायदा जरूर उठाएगा। इसलिए आप अपने घर की बातें भूलकर भी कभी किसी से शेयर ना करें। चौथी बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हुए कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए कि आपकी कमाई कहां से आ रही है। यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले व्यक्ति को बता देते हैं, साझा करते हैं, तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म हो जाए, सामने वाला आपकी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। जिस तरह से तीतर भाई आपके साथ हो रहा है,
जैसे कि आप हर रोज नई नई जगहों को खोजते हैं और कौवा जाकर उस पर अपना हक जमा लेता है, ठीक उसी तरह से यदि आपने अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बता दिया या बताते हैं, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जाकर आपकी कमाई के जरिए पर अपना हक जमा ले। पांचवी बात, उस साधु महाराज ने तीतर को बताते हुए कहा, देखो तीतर, अपनी कमजोरी तुम किसी को मत बताना और अपनी ताकत भी मत बताना। यदि आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएगा। यदि आप अपनी ताकत सामने वाले को बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत तोड़ सकता है, आपके हौसले को समाप्त कर सकता है। इसलिए आप अपनी कमजोरी और ताकत भी किसी से साझा ना करें। छठी बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हुए कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपने मित्र को किसी को बताते हैं कि वो भला आदमी मेरा मित्र है, तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला व्यक्ति जाकर आपकी मित्रता खत्म कर दे और आपके मित्र के साथ खुद दोस्ती बनाकर आपका शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में भी किसी को ना बताएं। यदि आप अपने शत्रु के बारे में भी किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और उस शत्रु का बल दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर और बलशाली हो जाए और वो दोनों मिलकर आपको हरा दे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप पर कभी भी कितना भी संकट या मजबूरी क्यों ना आ जाए, आप अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को ना बताएं। सातवीं बात, साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं कि देखो तीतर, दिया हुआ दान कभी किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो दाएं हाथ को भी इसके बारे में पता तक नहीं चलना चाहिए कि आपने दान में कौन सी वस्तु दी है। यदि आप दिए हुए दान को किसी के साथ साझा करते हैं, किसी को बताते हैं कि मेरा नाम ऊंचा होगा, मेरी बड़ाई होगी, तो ऐसा आप कभी ना करें। ऐसे में आपका दिया हुआ दान व्यर्थ ही चला जाएगा, उसका आपको पूर्ण फल भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरी बात मानिए, जरा आप दिए हुए दान को कभी किसी के साथ साझा ना करें। आप उस दान को कभी किसी को ना बताएं ताकि उसका आपको सही से लाभ मिल सके। दोस्तों, वह साधु महाराज ये सारी बातें उस तीतर को बताता है। उस तीतर के मन में सारी बातें इस कदर बैठ जाती है कि वो सारी बातें उस साधु महाराज की बताई हुई बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है और उन पर अमल भी करता है। धीरे धीरे तीतर ने अपनी पत्नी को ये बातें बताने बंद कर दी थी और उसके बाद उस तीतर के जीवन में पहले जैसा सुख हो गया था और फिर वो तीतर और उसका परिवार अपना जीवन खुशी खुशी से व्यतीत करने लगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको भी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी से आप भी प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में मात नहीं खाएंगे। दोस्तों, इन बातों को आप अपने संतान को जरूर सुनाएं ताकि आपका भला हो सके और आपकी आने वाली पीढ़ी भी संवर जाए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।